2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल और उनके सभी संभावित प्रत्याशी अपनी चुनावी जमीन को तैयार करने में जुट चुके हैं, जिसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गदरपुर का दौरा किया और नैनीताल लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी को मजबूत किया। इसी क्रम में गदरपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ने गदरपुर में एक सभा की, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार और त्रिवेंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया और कहा कि केंद्र सरकार ने कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों के कर्ज को माफ करेंगे, लेकिन इसके बावजूद किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आने वाले चुनाव में मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा। हम कहते हैं ये फूल मिल करके हिंदुस्तान और वो की गाड़ी सरकार पूरी तरीके से केंद्र सरकार भी राज्य सरकार। आप गौर करिए तो पिछले 4.5 साल में मोदी जी ने देश को केवल जुमले जुमले दिए हैं, धरती पर कुछ नहीं, केवल झूठे वादे किए हैं, एक भी वादे को वफा नहीं किया, उसको जमीन को उठा। किसान इस समय बिल्कुल हताश है, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, किसान निराशा में है, अपने उत्पाद को सड़कों पर फेंक रहा है और लाठियां गोली सड़कों पर निकल रहा है। इन्होंने कर्ज माफी का वादा किया था, कर्ज को अलग रहा, इन्होंने किसान को जो उनका वाजिब मूल्य है वो भी नहीं दे रहे।